हाय एवरीवन, आज हम बात करते हैं एसटीपी प्लांट के बारे में। अच्छा हाँ, आप लोगों को ये बता देते हैं, ये चैनल रेसिपी दुबे के नाम से है और इस पर आपको टेक्निकल से रिलेटेड और फन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। आई होप सब लोग अच्छे तो जैसा कि सब लोग जानते हो, एसटीपी का मतलब होता है सीवेज ट्रीटेड प्लांट। तो सीवेज ट्रीटेड प्लांट जो होते हैं रेजिडेंट साइड और कॉमर्शियल दोनों साइड में लगे रहते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन सब लोग जैसे जानते हैं कि घरेलू उपचार में जितना भी पानी यूज होता है या फिर जहाँ पर भी वाशरूम से रिलेटेड पानी यूज होता है, तो उसका एक प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करके उसको ट्रीट करके उसको पानी में उपयोग में लाना, उस पूरे प्रोसेस को एक सीवेज ट्रीटेड प्लांट कहा जाता है। अगर डेफिनेशन आपको नहीं समझ आ रही हो तो आप इसमें स्क्रीन में देख रहे हो तो आप नोट कर सकते हो, उसको लिख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। तो शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं एसटीपी की डेफिनेशन कि ये होती है कि एसटीपी का मतलब है वो एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से हम किसी भी गंदे पानी को एक क्लीनिंग पानी में के प्रोसेस को एसटीपी प्लांट कहते हैं, जिसमें चाहे वो बाथरूम का पानी हो, चाहे वो हमारा फ्लश का पानी हो, चाहे कॉमन एरिया यूज पानी हो या फिर किसी तरह का पानी हो, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके उसको यूटिलाइजेशन में लाना, उस कम्प्लीट प्रोसेस को एसटीपी प्रोसेस कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसटीपी क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। तो बेसिकली ये कुछ 4-5 टाइप के होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ईए टाइप का, एसएएफएफ टाइप का, एसबीआर और एमबीबीआर, एमबीआर। तो मोस्टली साइड पे क्या होता है, एमबीबीआर टाइप का यूज होता है। तो लोगों से कहा जाता है कि भाई किस टाइप का है और कितने कैपेसिटी है उसकी। तो कैपेसिटी इसकी होती है केएलडी में, किलो लीटर पर डे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमने एक बेसिक एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया है कि किस तरह से एसटीपी एक प्लांट दिखता है। तो आप मोटा मोटा, आपको कुछ टैंक नज़र आ रहे होंगे, कुछ सिलेंडर टाइप से नज़र आ रहे होंगे, तो इसकी हम अब थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे दो पिक्चर, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में जो आपको दिख रहा है वो कुछ लोग इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, इसको आप अपने नोट डायरी पैड पर लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और राइट साइड में कुछ लोग इस तरह से भी बनाते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी साइड पे किस तरह से वाटर फ्लो सर्किल चल रही है, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो। बेसिकली कॉमनली जो हमारा यूज होता है वो लोग कहते हैं कि जी पहले पानी आया हमारा, वो किस में गया, मेन टैंक में या ऑयल ग्रीस चैम्बर में गया, उसके बाद बार स्क्रीन में चला गया, बार स्क्रीन के बाद में आपका इक्वलाइजेशन टैंक चला गया, इक्वलाइजेशन के बाद इरीगेशन में चला गया, उसके बाद में सेटलिंग टैंक में गया, सेटलिंग के बाद क्लीरिफाइड वाटर में चला गया, सैंड वाटर, फिर उसके बाद फिल्टर के थ्रू होते हुए ट्रीटेड वाटर बन गया आपका। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं केमिकल के लिए। अक्सर लोग डायग्राम जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर उससे पूछा जाता है उसमें कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं। तो आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हो कि क्लोरीन यूज होती है, स्लज कंटेनर यूज होता है, एसटीपी आउटडोर कंट्रोल केमिकल यूज होता है, एक्टिवेट कार्बन यूज होते हैं, इसमें मल्टीग्रेड की मीडिया भी यूज होती है, जर्गी जैसे गुड जानते हैं, बायोकल्चर हो गया, डीएपी हो गई, यूरिया हो गई, कर्ड मिल्क या दही हो गई, और एफएपी मीडिया हो गई। तो मीडिया सब लोग जानते हैं, मीडिया हमारी जो काम आती है वो किसी भी बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए काम आती है, जिसमें बैक्टीरिया पाला जाता है उसमें हम केमिकल का प्रयोग और गुड़ दही का प्रयोग करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग कौन कौन सी ली जाती है। क्वेश्चन ये भी करते हैं जब भी आप इंटरव्यू ले जाते हो कि अगर आप एसटीपी ऑपरेटर हो या फिर आप एसटीपी आपने चेक की है तो उसमें कौन कौन सी रीडिंग लेते हैं। तो मोटर की कंडीशन हम चेक करते हैं, वो चेक किस कौन सी भी टाइप की मोटर हो तो वो सारी मोटर चेक की जाती हैं, वो ऑपरेशनल हो या फिर हमारी पैरेलल में जैसे स्पेयर में रखते हैं उसके लिए हो तो वो सारी वर्किंग है तो ओके है, या फिर हम जैसे क्या होता है हमारे पास दो मोटर हैं तो एक 4 घंटे चला रहे हैं, दूसरी 4 घंटे चला रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर कौन सी किस समय चल रही है वो वाली। उसके बाद में होता है रीडिंग, पानी की रीडिंग। पानी की रीडिंग में दो रीडिंग ली जाती है, इनलेट वाटर की रीडिंग, एक आउटलेट की वाटर रीडिंग। तो कुछ लोग किलो लीटर में लेते हैं, कुछ लोग मेगा लीटर में लेते हैं, तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम करते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू भी हम चेक करते हैं डेली बेसिस पे, स्लज रिकॉर्ड, सीओडी, एमएलएसएस, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे हम और भी टॉपिक लाएंगे, ऐसे ही कवर करते रहेंगे आप लोगों के लिए। टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों को। आई होप कोविड का केस चल रहा है, सब लोगों को पता है, तो आप लोगों फैमिली में सब लोग अच्छे होंगे। तो ऐसे ही सेफ रहो, फैमिली में रहो और
यही कहते हैं, आगे टॉपिक लाते रहेंगे आपके लिए, फ़न भी लाते रहेंगे, फ़न के वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड हाँ, आप लोगों से उम्मीद ये भी करते हैं कि साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आपको जो भी वीडियो आएगा वो आपके यूट्यूब पर सबसे पहले दिखेगा, तो आपके बेनिफिट रहेंगे। मेंटेनेंस से रिलेटेड लोगों को जितने क्वेरी रहें तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई टॉपिक जल्दी चाहिए तो उसके बारे में बता सकते हो, आगे हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे। धन्यवाद।